गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नायरा मम्मा ब्लॉग में। अभी हो रही है मॉर्निंग। हाँ बेटा, मॉर्निंग फिलहाल नहीं हो रही है। हाँ मॉर्निंग हो रही है, पर मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, क्योंकि आज मैं उठी हूँ 9 बजे। आज क्योंकि वैभव का स्कूल ना के बराबर ही था, क्योंकि वैभव का तबीयत ठीक नहीं था, इस वजह से मुझे वैभव का स्कूल एब्सेंट करना पड़ा। तो आज मैं थोड़ा जम के सो गई। मैं बहुत कल मैं बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, इसीलिए मैं आज सो गई। तो बस फटाफट फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। तो नाश्ता मैं आज मैं बना रही हूँ मटर चना की। यहाँ हम लोग यहाँ पे कहते हैं घुगनी, तो मटर चना की घुगनी बना रही हूँ और गर्मा गर्म रोटी। क्या करूँ, सोने में तो बहुत अच्छा लगा कि चलो आराम से आज सो जाती हूँ, मेरा बेटा का स्कूल नहीं है। बस सोने का, फिर जम के सोने का सजा भी मुझे मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और पापा को चाहिए अभी तुरंत नाश्ता। तो बस फटाफट रोटी बना लूँ। मेरा नाश्ता बन चुका है और मम्मी जी यहाँ पे कर रही है पूजा। आज मेरा मॉर्निंग किसके साथ हुआ? मम्मी जी के साथ। मम्मी को उठाना ही था तो थोड़ा जल्दी उठाती। 9 बजे बोल रही उठो उठो जल्दी, सुबह हो गया। तो आज मम्मी जी गई थी मार्केट, वहां से लाई है क्या मम्मी? चिंगड़ी। चिंगड़ी मछली इसे कहते हैं, बंगाल के लोग ठीक समझ जाएंगे और हाँ सब इधर उधर के भी लोग ठीक समझ ही जाएंगे जो खाते हैं। तो बहुत सारी मेरी मारवाड़ी फ्रेंड है, वो बोलती प्रतिमा तुम ये सब मत दिखाया करना। चल अरे चुमा। पर ये मेरा डेली व्लॉग है तो मुझे दिखाना ही है। कुछ अलग देख, कुछ अलग हो तो अलग दिखाएंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग हो तो इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी लाई है चिंगड़ी मछली, जो कि आज हमारे यहाँ बनने वाली है। तो बनने के बाद दिखाती हूँ कैसा बनता है। मम्मी यहाँ पे चुन रही है अंगना में बैठ के। मम्मी खुद ही ये सब चीज में साफ सुथरा में रहती है, इसलिए इसको घर नहीं घुसाई। बोली कि पहले इसको पूरा क्लीन करके अच्छा से इसको धो डालूंगी, धो के पूरा क्लीन करके उसके बाद ही घर में घुसाऊंगी। ठंड के दिन में हम लोग क्या करते हैं ना, जो मतलब पालक वालक ढेर सारा मिला के, क्या पालक सरसों और मेथी, पालक साग, मेथी साग, सरसों साग और भी अगर एक दो चना साग, चना साग अलग से। अच्छा, तो ये सब साग को हम लोग कुकर में बॉईल करके और अच्छी तरह से तड़का मार के इसको बनाते हैं, जो इतनी टेस्टी लगती है। तो उसका भी मैं रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी, जब बनेगी तब जरूर दिखाऊंगी। और आप लोग जरूर बना के खाइएगा, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं चली किचन में कुछ और काम करने। मम्मी का यहाँ चिंगड़ी मछली बन के तैयार है। सच में गाइस देखिए कितना सुंदर रेड रेड कलर आया है, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। जो नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है उसके लिए सॉरी, और लेकिन जो खाते हैं उसके मुंह से, वाकई में देख के मुंह से पानी ना आ जाए। बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा। तो ये बन के रेडी है। अगर जिसको जिसको ये रेसिपी सीखनी है तो वो लोग कमेंट्स में बोले कि हाँ मुझे सीखनी है, तो मैं अगर जिस ढेर सारा कमेंट्स आएगा तो उसका इसकी रेसिपी मैं जरूर दिखाऊंगी। तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मम्मी हम लोग का मतलब लंच हो गया, हम लोग खाना वाना खा लिए चिंगड़ी और चावल। उसके बाद मम्मी 5 मिनट भी नहीं रुकी, जाके नहा ली। देख सकते हैं नहा के कपड़ा फीच के। मैं और पापा यही कहती हूँ कि आपको खाने का क्या ज़रूरत है, सुबह नहा के पूजा की, फिर अभी वो चिंगड़ी चावल खा के, नॉनवेज खा के, मतलब फिर मम्मी तुरंत नहा लेती है कि मुझे इधर इस रूम उस रूम में जाना पड़ता है, कोई अगर कारण से भगवान का मंदिर छूना पड़ेगा। मतलब मम्मी इतनी बड़ी पुजारी है। तो इसी से मैं कहती हूँ कि खाने का क्या ज़रूरत है, इतना कष्ट करके खाओ फिर नहाओ फिर करो बापे बाप। तो मैंने कहा कि ठीक है मुंह हाथ धो लीजिए, कपड़ा चेंज कर लीजिए, नहीं मुझे नहाना ही है, नहाने से ही मैं संतुष्ट होती हूँ। तो मम्मी ठंड में भी अपना नियम जारी रखती है। ओ हाँ, तो गाइस रख रही हूँ, मेरी बेटी बोली आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे टॉयलेट आया है, तो गाइस रखती हूँ बाद में मिलती हूँ। तो अभी हो चुकी है रात, टाइम हो रहा है लगभग 7:45। मैं यहाँ बना रही हूँ फूलगोभी आलू प्याज देके भुजिया। रात में रोटी और फूलगोभी आलू का भुजिया, सच कहूँ वो चिंगड़ी वाला वो मछली खा के सबका मन उब गया और रिच खाने का। तो इसलिए मम्मी बोले एकदम लाइट खाना बनाओ,
तो भुजिया और रोटी बना रही हूँ। अगर बच्चे खाएंगे तो ऑमलेट बना दूँगी, नहीं तो रहने दें। आज कुछ मैं अलग एक स्पेशल एक चीज़ बनाने वाली हूँ, तो पापा अपनी बेटी को घुमा के लेके आए और वो सामान सब भी लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगर मैं बनाती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो गाइज मैंने 1 किलो दूध का यहाँ छेना फाड़ चुकी हूँ, तो और यहाँ पे मैंने चाशनी बनाया है, यहाँ पे मैंने चाशनी बनाया। सच कहूँ गाइज मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, बस बनाते जाऊंगी कुछ भी, जैसे भी बनाऊंगी आप लोगों को दिखाते जाऊंगी, और अगर अच्छा बना तो भी दिखाऊंगी, ख़राब बना तो भी बनाऊंगी। लेकिन सच में गाइज मैं क्या बनाने जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, बस बनाऊंगी, बस अच्छा बने, क्योंकि मेरी बेटी को भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। सच बोलूँ और बहुत दिन से कुछ नया डिशेज ट्राई नहीं की हूँ मैं, बीच बीच में इस तरह पागलपंती करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ डिशेज ट्राई करती हूँ। तो आज कुछ खास मेरा काम नहीं था तो इस वजह से मैंने ये किया है। तो छेना को पानी से अलग करने के बाद यहाँ थाली में मैंने रख दिया, और इसमें क्या क्या मिक्स की हूँ मैं बताती हूँ। थोड़ा सा 3-4 चम्मच मैदा, छेना, दूध पाउडर, ये 10 रुपये वाला 2 पैकेट दूध पाउडर, और 1/2 चम्मच सोडा। अब इसको मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी, एकदम आटे की लोई की तरह। तो अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद तो मैंने इस तरह से पीस पीस करके गोल गोल लोई बना चुकी हूँ, ये देखिए। सच में गाइज मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बनने के बाद क्या रूप लाएगा, या जो सोची हूँ वो पूरी प्रॉपरली उस तरह से बन पाएगी या बस मेरा मेहनत बेकार जाएगा, पता नहीं। तो फिलहाल गूंद के मैंने इस तरह से गोल गोल पीस पीस लोई में कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें मैं तेल डालकर उसे मैं छानूंगी। क्या बना रही प्रतिभा? हमको खुद नहीं पता क्या बन रहा है, मेहनत तो पूरी पूरा का पूरा मेहनत की हूँ, पर बनेगा क्या, इसका रूप क्या लेगा ये मुझे खुद नहीं पता। मैंने वैसे है क्या सोची, क्या हो, क्या है ये? तो मेरे लिए सरप्राइज है, तो बाकी सबके लिए भी तो सरप्राइज ही ना होगा, देखते हैं क्या बन रहा है। सरप्राइज गोल गोल है, रसगुल्ला होगा। हाँ तो रसगुल्ला बनेगा कि गुलाब जामुन बनेगा कि क्या बनेगा, हमको खुद नहीं पता। तो गाइज ये हो रहा है, लेकिन शुरुआत वाला बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया, एकदम इतना काला कि इंसान को खाने का जो इच्छा हो सुन के वो भी मर जाए, बहुत काला हो गया गाइस। चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो गाइस बन के तो रेडी हो गई है, तो थोड़ा सा चाशनी में इसको मैं थोड़ा उबाल दे रही हूँ कि ताकि जो चाशनी है अंदर अंदर घुसे और पूरी तरह से रसीली मिठाई बन जाए। तो गाइस सबको टेस्ट कराऊंगी और सबसे अलग अलग पूछूंगी कैसा बना कैसा बना कैसा बना, सब बोलेंगे फालतू फालतू फालतू। जला हुआ देख के तो मुझे दिखाने में शर्म आ रही है, लेकिन जैसा बना है गाइस सब देखे, मैं छुपाऊं क्यों, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है। अब जल गया। तो जला वाला क्या है ना कि मैं फर्स्ट में ही सबको खिला के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, उसके बाद अच्छा वाला, और अच्छा वाला यहाँ बचा हुआ है, और जला हुआ यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ, पर ये लोग तो मेरे बोलने से पहले ये लोग फिनिश कर ले रहे हैं, ये लोग जला वाला भी नहीं छोड़ रहे, भले तारीफ ना करें लेकिन जला वाला भी नहीं छोड़ रहा है। जला वाला में कौन सा टेक्सचर दे दिया, जला वाला में कौन सा फ्लेवर आ रहा है? काला जामुन। और वो गोल्डन वाला गुलाब जामुन, ये तो ज्यादा टीचर बन के बताने के चक्कर में सब उड़ा दे रहे हो। मेरा ही है ना। अब बेटा टेस्ट करके बताओ। बेटा टेस्ट कर लिया, कैसा बना है बेटा? नरम है मगर बहुत टेस्टी है। अच्छा नरम है लेकिन बहुत टेस्टी है, देखो नरम है पर टेस्टी है, गरम है गरम। हाँ तो वही गरम है पर टेस्टी है। देखो मम्मी जी के लिए लोग काला वाला जला हुआ रख दिए, बहुत गंदा आदत है। मम्मी खाई तो, मम्मी खाएंगे, मम्मी शुगर है उसको मार चीनी खिलाओ। एक्सपेरिमेंट कर करके उसको एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मम्मी का शुगर हाई हो जाएगा। लीजिए मम्मी, यहाँ मेरी बेटी सोच रही है नाखून चबाते हुए मेरा नंबर कब आएगा।
तो ये मेरी जला हुआ मेरी बेटी के लिए। नहीं नहीं गाइस, एक्चुअली ये कलर सिर्फ जला है लेकिन स्वाद में टेस्ट आ रहा है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज्यादा स्पंजी बना है। तो नायरा कैसा? अरे नायरा सदमे में पड़ गई क्या मेरा मिठाई खा के? नायरा कैसा बना है? नहीं अगर जला होता तो अभी तुरंत मेरे मुंह में फेंक देती। टेस्ट बना है, टेस्टी है ना रहा। उंगली से करो कैसे ये। अब मेरी बारी, कैसे बनी है देखती हूँ। इतना उबाल नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो पूरा एकदम हवा भरा। देखिए ना कैसे खड़े होके हमको देख रहे, पेट दर्द देगा। एक बात बोलूं, बाहर के मिठाई से टेस्टी, बाहर का रसगुल्ला और गुलाब जामुन फेल, चाहे जैसा भी बनाए बहुत अच्छा बना। हाँ, बिना मिलावट का घरेलू मिठाई जो भी है जैसा भी है बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी बना। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सब लोग मेरे मुंह देख रहे हैं, स्वाद लेके हम खा रहे और सब लेला की तरह मेरा मुंह देख रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है बहुत टेस्टी बना। अभी मुझको पापा जी को खिलाना बाकी है। पापा बोलेंगे वाह बेटा कहीं उल्टा ना हो जाए, जा बेटा। तो चलिए गाइस कल मिलती हूँ फिर। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें। तो एक बार फिर से प्लीज 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 प्यार से आप लोग वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक जरूर करें। बाय 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 बाय। मम्मी बोलिए बाय बाय। नायरा सोच रही है एक मिठाई से तो मन नहीं भरा, तो वो मेरा वेट कर रही है। तो ये देखिए गाइस, मेरे रसगुल्ले से इनको संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि मैं तो सिर्फ देखने के लिए जस्ट इतना ही बनाई, हालांकि इसमें से 8-10 गायब है, खा चुके हैं हम लोग। तो इनको संतुष्टि नहीं हुआ था, अब ये अपना दिमाग लगा के ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जलेबी। तो ये क्या है ना, फ्रिज में ब्राउन ब्रेड था तो एक ब्रेड का 4 हिस्सा कट करके और इसको तेल में, मैंने मेरा ही सब कुछ पड़ा हुआ था मेरा ही, तो तेल में इसको गोल्डन फ्राई करके इस चाशनी में डुबा दे रहे हैं। तो बोल रहे कि मेरा जलेबी तैयार, ये कौन सा ब्रेड जलेबी। चलो आज अपने हस्बैंड का दिमाग लगा हुआ चीज आज हम लोग भी खाएंगे ना, आज हम लोग का मीठा खाने का दिन है। तो गाइज मैंने बाय कर दिया था लेकिन कर दिए थे बाय कल फिर मिलेंगे ये सब बोल दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर एक मजेदार ये चीज बनाने लगे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो में दिखाया जाए, लेकिन वाकई में ये बहुत ज्यादा टेस्टी, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो गाइज चलिए अब हम लोग आज यही खाते हैं और इसी का ही मजा लेते हैं हम लोग सब कोई फैमिली मिलकर। तो अब सच में बाय।